माचिस तो सभी के घरों में यूज होता है, लेकिन यह किस प्रक्रिया द्वारा फैक्ट्री में बनाया जाता है, चलिए देखते हैं। सबसे पहले इस बड़े से लकड़ी को लेंगे और आरा मशीन से इसको छोटे छोटे टुकड़ों में काट लेंगे। उसके बाद इसके छिलके को कुछ इस प्रकार से निकाल लिया जाएगा। फिर इसको उठाकर इस रोलर में लगा दिया जाएगा और यह रोलर इस लकड़ी का पतली लंबी शीट बनाकर निकाल देगा। अब इन शीटों को यहाँ रखकर ठोक कर बराबर कर लिया जाएगा। फिर इसको खिसकाकर इस मशीन में लगा दिया जाएगा। अब यह मशीन इसको छोटे छोटे भाग में काट देगा और इसे उठाकर धूप में कुछ दिन तक सूखने के लिए रख दिया जाएगा। इसको उठाकर इस मशीन में डाल देंगे। अब यह कन्वेयर बेल्ट की मदद से ऊपर इस मशीन में जाएगा, जहां इस गोल से घूमने वाली मशीन के सभी छेद में तीली फंस जाएगा। फिर इसके बारूद वाले पेस्ट को तैयार किया जाएगा और इसको उसी पेस्ट में डुबा दिया जाएगा। अब सारे तीली को इस मशीन में डाल देंगे और दूसरे मशीन में डिब्बी को डाल देंगे। अब यह मशीन इन खाली डिब्बी में तीली को डाल देगा। फिर यह मशीन इस डिब्बी को बंद कर देगा और इन सारे माचिस को इस कन्वेयर बेल्ट पर रख दिया जाएगा और यह